तो दोस्तों आखिर अब चांदनी के बाद पवनदीप राजन के घर में किसकी शादी होने वाली है, आखिर अब पवनदीप राजन के पिता ने शादी को लेकर कौन सा बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए पवनदीप राजन से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट और एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पवनदीप राजन की बहन चांदनी की शादी कल यानी 7 फरवरी को खत्म हो चुकी है, जिसमें पवनदीप राजन ने अपने भाई का फर्ज पूरी तरह से निभाया है। और वहीं बात करें अगर अनिता कांजीलाल की, तो अनिता कांजीलाल ने भी पवनदीप राजन की बहन चांदनी की शादी में एक दोस्त का फर्ज इस तरह से निभाया है कि सभी गाँव वाले अनिता कांजीलाल को देखकर हैरान हो गए हैं। लेकिन इसी बीच अब के बाद किसकी शादी होने जा रही है, इसको लेकर पवनदीप राजन के पिता ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर चांदनी के बाद अब पवनदीप राजन के घर में किसकी शादी होने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में पवनदीप राजन के पिता का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ, जिसमें पवनदीप राजन के पिता ने कहा कि हम पवनदीप राजन की शादी सबसे पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में एक रिवाज है कि पहले आपको कन्यादान करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही आप अपने घर में बहू ला सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब चांदनी के बाद हम पवनदीप राजन की ही शादी करेंगे, अब चांदनी के बाद पवनदीप राजन का ही नंबर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि पवनदीप राजन के माता पिता पवनदीप राजन की शादी अनिता कांजीलाल के साथ कराएंगे या नहीं, क्या अनिता कांजीलाल को अपनी बहू मानेंगे या नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहां पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।